नमस्कार, NCERT गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 पार्ट 5 4.4 सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथानॉल एंड इथानोइक एसिड। मेनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस। बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हमारे लिए बेकार हैं, इनवैल्यूएबल हैं। बट हेयर वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ टू कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स इथानॉल एंड इथानोइक एसिड। लेकिन हम यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, इथानॉल और इथानोइक एसिड के बारे में, जो कि कॉमर्शियली बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं इन्हें। 4.4.1 प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल। इथानॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रेफर टू टेबल 4.1 फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथानॉल। इथानॉल रूम टेम्परेचर पे एक लिक्विड के फॉर्म में रहता है। यह है टेबल 4.1, मैंने इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रखा है ताकि रेफर करने में आसानी हो। यहाँ पे आप इथानॉल का मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हैं 156 केल्विन और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। इथानॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहल ड्रिंक्स। इथानॉल का कॉमन नेम एल्कोहल है, या फिर यूं कहें इथानॉल को हम एल्कोहल भी कहते हैं, और जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उसमें ये इथानॉल पाया जाता है। इन addition, बिकॉज इट इज अ गुड solvent, इट इज also used इन medicines such as tincture iodine. इसके अलावे चूंकि इथानॉल एक अच्छा solvent है, इसलिए उसे iodine tincture में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये iodine tincture हमारे घावों को भरने में, हील करने में मदद करता है। iodine tincture के अलावे इथानॉल cough syrups में भी पाया जाता है और कुछ tonics में भी पाया जाता है। यहाँ तक कि homeopathic medicines जो होती हैं, उनमें जो mother tincture इस्तेमाल होता है उसमें भी इथानॉल का इस्तेमाल होता है। इथानॉल इज also soluble इन water इन ऑल proportions. इथानॉल वाटर सोल्यूबल है, अल्कोहल को आसानी से पानी में मिलाया जाता है। कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथानॉल कॉजेज ड्रंकननेस। ड्रंकननेस का मतलब है मादकता या फिर मतवालापन। अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में भी अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो आप ड्रंक फील करेंगे। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, इट इज सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। अल्दो शराब पीना हमारे सोसाइटी में बुरा माना जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। हाउएवर इनटेक ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथानॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी लेथल। ये तो बात हो गई कि अगर आप डाइल्यूट अल्कोहल का सेवन करेंगे तो आपको ड्रंकननेस महसूस होगा, लेकिन अगर आपने गलती से भी प्योर अल्कोहल ड्रिंक कर लिया तो ये जानलेवा हो सकता है। लेथल का मतलब होता है जानलेवा। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। और नॉर्मल अल्कोहल भी अगर आप ज्यादा दिनों तक ड्रिंक करते हैं तो वो आपके सेहत पे भारी पड़ सकता है। रिएक्शन विद सोडियम, यहाँ पे सोडियम रिएक्ट कर रहा है इथानॉल से और बना रहा है सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। एल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। विद इथानॉल द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथॉक्साइड। इथानॉल के साथ जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो है सोडियम इथॉक्साइड। कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। क्या आप याद कर सकते हैं कि ऐसे और कौन से सब्सटेंस हैं जो मेटल से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं? तो हमने पहले पढ़ा है कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। सेकंड है हमारा रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हीटिंग इथानॉल एट 443 केल्विन विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट्स इन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथानॉल टू गिव ईथर। अगर इथानॉल को 443 केल्विन पे कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट किया जाए तो इथानॉल हमारा इथीन देता है और H2O रिलीज करता है। द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथानॉल। कंसंट्रेटेड H2SO4 को आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह समझ सकते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब वो जो किसी कंपाउंड से वाटर बाहर निकाल दे, उसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ पे H2SO4 इथानॉल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे H2SO4 को एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में देख सकते हैं। हाउ डू एल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग बीइंग्स। अभी हम देखेंगे कि एल्कोहल्स लिविंग बीइंग को किस तरह अफेक्ट करते हैं। When large quantities of ethanol is consumed, it tends to slow metabolic processes and to depress the central nervous system. अगर ज्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल लिया जाए तो ये जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, उनको स्लो कर देता है और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिससे हमारे पूरा बॉडी का कोऑर्डिनेशन बना रहता है उसको भी खराब करता है। दिस रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, लोअरिंग द नॉर्मल इनहिबिशन एंड फाइनली स्टपर। ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का इनटेक, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब है कि आप अपने बस में नहीं रहते हो, आपके शरीर में कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है, आप ठीक से चल नहीं पाते हो, आप सही सोच नहीं पाते हो।
मेंटल कंफ्यूजन, आप अलग अलग चीजें सोचने लगते हो, ड्राउजीनेस, आपको नींद महसूस होती है, लोअरिंग द नॉर्मल इनहिबिशन, इनहिबिशन का मतलब होता है संकोच, और यहाँ है लोअरिंग द नॉर्मल इनहिबिशन, इसका मतलब है कि जिस चीज को करने से आप नॉर्मल कंडीशन में संकोचित रहते हो, जो चीज करने में आपको शर्म आती है, पीने के बाद वो शर्म आपकी खत्म हो जाती है और आप वो चीजें आराम से करने लगते हो, जैसे कि रोड पे नाचना। एंड फाइनली स्टपर, स्टपर का मतलब है अचेतना, और फाइनली आप बेहोश हो जाते हो, कहीं किसी गटर नाली में चले जाते हो। द इंडिविजुअल में फील रिलैक्स्ड बट डज नॉट रियलाइज हिज सेंस ऑफ जजमेंट। ड्रिंक करने के बाद आदमी को अच्छा तो जरूर महसूस होता है, पर वो अपने निर्णय लेने की क्षमता को खो देता है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है ये वो सोच नहीं पाता। सेंस ऑफ टाइमिंग, उसे समय का भी ख्याल नहीं रहता कि किस समय क्या काम करना है और हम क्या कर रहे हैं। एंड द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैव बीन सीरियसली इम्पेयर्ड, और जो हमारा मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है, हम किधर हाथ चला रहे हैं किधर पैर चला रहे हैं हमें कुछ पता नहीं होता। अनलाइक इथानॉल, इनटेक ऑफ मिथानॉल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज कैन कॉज डेथ। चलो इथानॉल के इनटेक के बाद, अल्दो ये सब चीजें होती हैं, आप ड्राउजीनेस महसूस करते हो, आप मस्कुलर कोऑर्डिनेशन लूज कर जाते हो, मेंटल कंफ्यूजन होता है आपको, फिर भी एट एन इंस्टेंट आपकी डेथ नहीं होती, लेकिन अगर थोड़ा भी मिथानॉल ड्रिंक कर लिया जाए तो आदमी मर सकता है। मिथानॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मिथानल इन द लीवर, और लीवर में जाने के बाद मिथानॉल मिथानल में बदलता है। मिथानल रिएक्ट्स रैपिडली विद द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, और ये मिथानल हमारे सेल के कंपोनेंट से रैपिडली रिएक्ट करता है। इट कॉजेज द प्रोटोप्लाज्म टू गेट कोआगुलेटेड इन मच द सेम वे एन एग इज कोआगुलेटेड बाय कुकिंग। कोआगुलेट का मतलब होता है जमना या फिर गाढ़ा होना। मिथानॉल जो कि लीवर में ऑक्सीडाइज होकर मिथानल बन चुका है, ये मिथानल हमारे सेल प्रोटोप्लाज्म को कोआगुलेट करता है, गाढ़ा करता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अंडा कोआगुलेट होता है पकते समय, और हमारा कोआगुलेटेड सेल प्रोटोप्लाज्म हमारे मौत का कारण बनता है। मिथानॉल ऑल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडेडनेस। मिथानॉल हमारे ऑप्टिक नर्व को भी अफेक्ट करता है, जिससे हमें विजन की सेंसेशन होती है, जिससे हम देख पाते हैं, उस नर्व को भी अफेक्ट करता है और हमें आंखों के सामने कुछ धुंधलापन दिखाई देता है और हम अच्छे से देख नहीं पाते। इथानॉल इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। इथानॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथानॉल प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक मिथानॉल टू इट। इथानॉल एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, लेकिन पीने में इसका इस्तेमाल ना हो, इसे ड्रिंक ना कर लिया जाए, इसलिए इसमें मिथानॉल मिलाकर इसे अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बनाया जाता है। डाइज आर ऑल्सो एडेड टू कलर द एल्कोहल ब्लू सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड इजिली, दिस इज कॉल्ड डिनेचर्ड एल्कोहल। और मिथानॉल मिलाए हुए अल्कोहल में डाइज भी मिला दी जाती है, रंग मिला दिया जाता है, जिससे लोग ये पहचान सके कि इसमें मिथानॉल मिला हुआ है और ये डिनेचर्ड एल्कोहल है, इसे नहीं पीना है। अल्कोहल एज अ फ्यूल, सुगर केन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इफिशियंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। जो सुगर केन प्लांट्स है, जो गन्ने के पौधे हैं, वो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर बहुत अच्छे कन्वर्टर्स हैं सनलाइट के केमिकल एनर्जी में। सुगर केन जूस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर मोलेसेस व्हिच इज फर्मेंटेड टू गिव अल्कोहल इथानॉल। सुगर केन जूस से मोलेसेस बनाया जाता है। मोलेसेस का नॉर्मल मीनिंग गुड़ होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब राब या फिर सीरा है, जूसी भी कहते हैं इसे, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है इसे। और इन मोलेसेस को फर्मेंट किया जाता है, जिससे हमारा इथानॉल या फिर अल्कोहल बनता है। सम कंट्रीज नाउ यूज अल्कोहल एज एन एडिटिव इन पेट्रोल सिंस इट इज अ क्लीनर फ्यूल व्हिच गिव राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो पेट्रोल में अल्कोहल ऐड करती हैं। उसके पीछे कारण ये है कि अल्कोहल एक क्लीन फ्यूल है, जो कि जलने के बाद केवल कार्बन डाइऑक्साइड देता है। हम जानते हैं कि नॉर्मल जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो हमारे फ्यूल्स हैं, वो जलने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी देते हैं, लेकिन ये अल्कोहल केवल कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जो कि अच्छा तो नहीं है, लेकिन केवल पेट्रोल से अच्छा है। प्रॉपर्टीज ऑफ इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। इथानोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से बिलोंग करता है। 5-8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर एंड इज वाइडली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन द पिकल्स। विनेगर हम यूज करते हैं पिकल्स में, अचार में डालने के लिए, और ये विनेगर 5-8% सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का वाटर में। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथानोइक एसिड इज 290 केल्विन एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 290 केल्विन, और यही कारण है कि वो कोल्ड क्लाइमेट वाले जगह पे, ठंडे जगह पे जम जाता है। दिस गेव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिड, और इसी से इसका नाम ग्लेशियल एसिड भी पड़ा है। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्पेशियल एसिडिटी। कार्बोक्सिलिक एसिड्स अपने एसिडिटी के द्वारा भी कैरेक्टराइज होती हैं। हाउएवर अनलाइक मिनरल एसिड्स लाइक HCl व्हिच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स।
हम जानते हैं कि मिनरल एसिड जैसे कि HCl H2SO4, मिनरल एसिड का मतलब है कि इनऑर्गेनिक एसिड्स। ये एसिड्स काफी स्ट्रांग हैं और कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है और इसका पता हम इस बात से भी लगाते हैं कि उसकी एसिडिटी कम होती है। एक्टिविटी 4.8, टेक 1 ml इथानॉल एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड 1 ml ग्लेशियल एसिड अलॉन्ग विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब। हमें एक टेस्ट ट्यूब में 1 ml इथानॉल लेना है, 1 ml ग्लेशियल एसिड जो कि हमने यहाँ पढ़ा, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, वो हमें लेना है 1 ml, और साथ में हमें कुछ ड्रॉप्स लेने हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के। वर्म इन अ वाटर बाथ फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स एज शोन इन फिगर 4.11। जिस तरह से फिगर 4.11 में दिखाया गया है, इस तरह से हमें इसे हीट करना है 5 मिनट तक। पोर इन टू अ बीकर कंटेनिंग 20 to 50 ml वाटर एंड स्मेल द रिजल्टिंग मिक्सचर। और गर्म होने के बाद इस मिक्सचर को हम एक 20 से 50 ml वाले वाटर बीकर में रखेंगे और उसे स्मेल करेंगे। ये बेसिकली इस्टरीफिकेशन का प्रोसेस है, जिसमें अल्कोहल और इथानोइक एसिड जब रिएक्ट करता है तो बनाता है ईस्टर, और आप जब इसे स्मेल करेंगे तो ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है, आपको इससे सुगंध निकलता हुआ मालूम पड़ेगा। रिएक्शन ऑफ इथानोइक एसिड। फर्स्ट, इस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ईस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड एन अल्कोहल। जब भी कोई एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करता है तो बनाता है ईस्टर। इथानोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथानॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू गिव एन ईस्टर। यहाँ पे इथानोइक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके बना रहा है ईस्टर, और ये है रिएक्शन। ये है हमारा इथानोइक एसिड और ये है इथानॉल, रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है ईस्टर। ईस्टर को इस तरह लिखते हैं CH3COO। ये बेसिकली ईस्टर का ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे इस तरह सिंगल बॉन्ड O, और इसके इधर भी एक कार्बन चेन और इसके इधर भी एक कार्बन चेन होता है। ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। ईस्टर एक सुगंधित है। These are used in making perfumes as a flavoring agents. परफ्यूम्स में ईस्टर का इस्तेमाल होता है फ्लेवरिंग एजेंट की तरह, उन्हें सुगंधित बनाने के लिए। ईस्टर्स रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस टू गिव बैक द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस ईस्टर को किसी भी एसिड या बेस से रिएक्ट करा दिया जाए तो ये वापस हमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, जिससे मिलकर ये बना था। इस रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये साबुन बनाने में काम में आता है। अभी यहाँ पे यह है हमारा ईस्टर CH3COO C2H5, जिसे हमने ऊपर देखा। ये रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ और हमें दे रहा है C2H5OH। यह है अल्कोहल और ये CH3COOH इथानोइक एसिड, जिन दो सब्सटेंस से मिलकर ये बना था। सेकंड, रिएक्शन विथ बेस। लाइक मिनरल एसिड, इथानोइक एसिड रिएक्ट विथ अ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव साल्ट, सोडियम इथानोएट और कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसिटेट एंड वाटर। इथानोइक एसिड जब रिएक्ट करता है NaOH के साथ तो बनाता है सोडियम इथानोएट, इसका फॉर्मूला है CH3COONA, और देता है वाटर। हाउ डज इथानोइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी हम पता करेंगे कि इथानोइक एसिड कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से किस तरह रिएक्ट करता है। तो काम की बातें मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखी हैं। इथानोइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव राइज टू अ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इथानोइक एसिड जब कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो यह हमें देता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। द सॉल्ट प्रोड्यूस इज कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसिटेट। यहाँ पे रिएक्शन देख लीजिए, यह हमारा इथानोइक एसिड, ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट से और हमें दे रहा है सोडियम एसिटेट CH3COONA, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल रहा है गैस के फॉर्म में। अभी अगर इथानोइक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, तो यह फिर से देगा हमें सोडियम एसिटेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बस बैलेंसिंग में थोड़ा डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में। एक और वीडियो बनेगी जो आखिरी होगी। आपके पेशेंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज दिव्यम सिंह साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।